माय नेम इज़ दीपांशु डोगरा की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम पहले से, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हिमाचल स्टडी चैनल में। तो हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि हम रेगुलर वीडियोस डालें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, सब सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए। उसके लिए मत परेशान होइएगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक मैथ्स का, जिसका मैंने क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में भी देखा 2017 में, और 2017 जेल बॉर्डर में भी देखा, टाइम वर्क, हिंदी में जिसे बोलेंगे काम समय, ठीक है। इसका बेसिक सा कंसेप्ट, अब पुलिस लेवल एग्जाम्स और इन मतलब जो रिक्रूटमेंट्स हैं अभी फिजिकल, ये सब जो पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की, फिर जेल बॉर्डर की, इनमें जिस टाइप के क्वेश्चंस टाइम वर्क के एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उस टाइम का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को और आइए मेरे साथ। सो बेसिकली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और एक बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले उससे पहले करवाना चाहूँगा मैं टाइम वर्क का, ठीक है। अगर आपको कई क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, मान लो एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, और ये 8 दिन में कर रहा है लेकिन 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये 9 दिन में कर रहा है लेकिन 2 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये डेज है, ये टाइम है। तो इसके लिए एक ट्रेडिशनल मेथड तो होता है कि जैसे मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक फार्मूला आपको एक लिखवाना चाहूंगा मैं उससे पहले, जो आपको याद रखना है। अगर उस फॉर्मूले को आपने याद रख लिया और कंसेप्ट को समझ लिया, बस वैल्यू डालनी है, आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ढंग से लिखना इस फॉर्मूले को, M1 D1 T1 E1 W2 is equal to M2 D2 T2 E2 W1। अब M1 जो है वो मैन है, ये डेज है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है, ठीक है। अब ये है फर्स्ट मैन का मैन, सेकंड मैन के दिन, फर्स्ट मैन के दिन फर्स्ट मैन का टाइम, फर्स्ट मैन की एफिशिएंसी, और काम दूसरे का, काम बस उल्टा होगा, मतलब ये दूसरे ने जो काम किया है वो इस साइड आएगा और पहले ने जो किया उस साइड, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन लेके डिस्कस करूँ, अब आपको ये नहीं है कि ये सारी वैल्यूज पेपर में क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब मैंने जैसे पूछा था कि एक व्यक्ति 8 दिन में, 8 डेज में, ठीक है, या ये छोड़ो 24 बंदे जो हैं वो 8 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, ये मैन M1 D1 8 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो तुमने बताना है कि 32 मैन कितने दिन में करेंगे। तो ये M1 दे दिया, D1 दे दिया, M2 दे दिया, D2 निकालना है, वैल्यू पुट करो, आराम से आंसर करो, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन इसके बेस आते हैं वो करवाऊंगा, उसको देखो आप पहले, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ वो वैल्यू पुट करी, सारी नहीं, आपको ये पेपर में क्वेश्चन में ऐसे नहीं होना चाहिए सब वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, नहीं, जो पूछा है वो कोर इसमें डाल लो, बाकी फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है। तो अगर मेरे यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, हाँ, 16 पुरुष एक काम को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, पॉज करना, क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक डाटा लिख दिया है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम क्यों नहीं। 16 पुरुष एक काम को, किसी एक काम को, मतलब मान लो गड्ढा खोदने का काम दे दिया 16 बंदों को, ठीक है, वो 8 दिन में कर रहे हैं गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इंसान कंफ्यूज हो जाता है पेपर के टाइम पे, लेकिन हमें नहीं होना। M1 क्या दिया हुआ है, 16, चलो लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला क्या यूज करना है, M1 दिया है ना, D1 दिया है, मतलब M1 D1, और कुछ डाटा दिया नहीं है, तो ये M2 D2, बस ये यूज करना है। M1 की वैल्यू 16, D1 की वैल्यू 8 दी है, M2 की वैल्यू 12 है, D2 निकालना है, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, 16 2 32 upon 3 is equal to D2, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, अगर ऐसे लिखें, अगर ऑप्शंस देखें तो 10, एक ए ऑप्शन है 10, बी है 9 whole 1/3, सी है 10 whole 2/3, तो आंसर होगा 10 whole 3/3, क्योंकि 3 10 is 30,
ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, रिमाइंडर बचा 2/3, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। पॉज करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, उसी फॉर्मूले के बेस्ड है, तुम्हें बस क्वेश्चन समझना है। देखो, 21 कोई बाइंडर है जो बुक्स बाइंड करते हैं, ठीक है, इंसान है ये, मतलब एमबंदी है, 1400 बुक्स को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं, तो 800 बुक्स को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर जरूरी है, ठीक है। अब 21 बाइंडर दिया क्या क्या है, साइड में मन में बना लो, ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन तुमने दिमाग में बना लेना। M1 21 दिया हुआ है, 1400 बुक्स ये दिया है, W1 कोई काम कर रहे हैं, 1400 बुक्स को बाइंड कर रहे हैं तो काम यही हुआ 1400, और D1 दिया है 15, M2 दिया है निकालना, D2 आपका दिया है 20 और W2 दिया है 800। अब मैंने बोला था कि फॉर्मूला होता है M1, अब ये चीज़ें दी हैं तो यही वैल्यू फॉर्मूला बना दो इसी का, M1 D1, लेकिन W2 होता है, M2 D2 W1 होता है, M1 की क्या है 21, D1 क्या है 15, W2 क्या है 800 इज इक्वल टू M2 क्या है निकालना, D2 क्या है 20, W1 क्या है 1400, ठीक है। अब अगर मैं काटूँ, 5 दिए 15, 5 × 20, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 0, 200, 2 0 से 2 0 गई, ये 2 है, ये 3 है, ये 2, ये 7, ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, ठीक है, ये 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो तुम्हारा M2 कितना है 9, और ऑप्शन दी थी 7, 9, 12, 14, तो B इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें W1 भी दिया था, ऐसे ही अगर आपको एफिशिएंसी भी दी है, फॉर्मूला सब पता है, मान लो आवर्स भी दे दिए कितने घंटे काम करते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू भरो, ऐसे क्वेश्चन होगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखूंगा जो फॉर्मूले से, उसमें इसमें तुम्हें इंसान मतलब मैन दिए हुए हैं, अब तुम्हें ऐसे बोला जाए कि एक एक इंसान ए है, एक बंदा ए है, वो इतनी देर में इस काम को करता है, बी जो है वो इतनी देर में इस काम को करता है, तो दोनों मिलकर कितनी देर में इस काम को करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें तो ऐसे भर नहीं पाएंगे क्योंकि अकेला इंसान ही है, वो इतनी देर में एक काम को करता है, मिलकर कितने, यहाँ पे अलग अलग देख रहे थे, ठीक है, अब देखेंगे कि दोनों इकट्ठे कितनी देर में करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए और डाटा यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझना, एक बहुत लंबा है, लिखूंगा नहीं। ए एक जोड़े मोजे को 3 दिन में बुन सकता है, कोई ए है, कोई भी बंदा, वो कोई एक जोड़ा मोजा को 3 दिन में बुनता है, ठीक है। अब बोला बी है कोई, वो भी एक जोड़े मोजे को 6 दिन में बुनता है, ठीक है, यदि वो दोनों, अब बोला अगर वो दोनों साथ में बुनने लगते हैं तो कितने दिनों में वह 2 जोड़े मोजे बुनेंगे, 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे। अब ये मत कर देना कि एक जोड़ा ए 3 में, एक जोड़ा बी 6 दिन में 6 दिन 9, तो 9 × 2 = 18 मत कर देना, क्योंकि देखो ना ए जो है वो 3 दिन में कर रहा है एक काम, कोई मतलब कोई भी एक जोड़ा मोजे का 3 दिन में, बी एक जोड़ा मोजे का 6 दिन में, तो दोनों इकट्ठे करेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों से तो टाइम कम ही लगेगा, ठीक है, इनसे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। अब एफिशिएंसी, एक बंदा काम गड्ढा खोद रहा है उसको 3 दिन लग रहे हैं, 2 लगेंगे तो 3 से कम ही लगेंगे, तो ये दिमाग ये मत चलाना कि 6 × 3 = 9 कर दिया, ठीक है। अब 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ए प्लस बी 2 जोड़े हैं हमें पता है। 2 मेथड क्या है, अगर एक ट्रेडिशनल मेथड है उसको ध्यान से देखना, ए जो है 3 दिन में 3 डे में किसी एक काम को कर रहा है, ठीक है, मतलब एक जोड़ा बुन रहा है वो एक काम ही हुआ, कोई मैं एक जोड़ा बुन रहा है मान लो, तो एक दिन में वो क्या करे, कितना काम करेगा, 1/3। सिमिलरली बी एक दिन में कितने
काम करेगा, कितना मोजा जोड़ा, 1/3, एक का 1/3 हिस्सा बुनेगा और यहाँ पे एक का 1/6 हिस्सा बुनेगा दोनों, अगर तो दोनों एक दिन में कितना बुनेंगे, 1/6 प्लस 1/3 6 LCM, 1 + 3 = 2, 2 3/6, 3 × 1 = 3, 2, तो A + B एक दिन में 1/2 एक जोड़े का आधा हिस्सा बुन देंगे, तो वो एक जोड़ा मोजा कितने दिन में बुनेंगे, 2 यहाँ चला गया, 2 दिन में एक जोड़ा मोजा, तो अब पूछा कितना है, 2 जोड़े मोजे पूछा था ना, तो 2 जोड़े मोजे 4 दिन में, ये हो गया आंसर। अब मैं अगर सिंपल वे में बात करूं, ये तो हो गया वन डे एक दिन में देख के, अब ऐसे देखो तुम जरा, तुमने क्या करना है, 6 3 है ना, ये क्या दिया है डेज, ठीक है, तुमने डेज का ये वर्क तो एक काम है कोई, 6 और 3 का एलसीएम ले लेना, क्या होता है डेज है, ये डेज का एलसीएम ले लिया, जितने डेज दिए 6 और 3 का डेज एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, ये 6 तुमने काम मान लेना है, मतलब मान लो कि ए जो है वो 3 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 6 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, ये काम मान लिया कि 6 यूनिट कुछ काम है, मतलब 6 काम है हमारे पास, जो कि ए नहीं, अब एक जोड़ा नहीं बोल रहे हम, ये काम मान लिया हम, तो अगर ए, अब यहाँ पे वर्बली करना है, ए 3 दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट, क्योंकि 3 6/3 2 यूनिट, बी एक दिन में कितना करेगा, 6 दिन में 6 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, क्योंकि 6/6 1 यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट, 3 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल काम 6 यूनिट मानना था, 6 यूनिट दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, अब अगर 6 का डबल, क्योंकि एक जोड़ा नहीं 2 जोड़ा पूछा, 12 यूनिट काम हो तो 4 दिन में करेंगे, तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लिखने की, अब मैं ये तो तुम्हारे लिए लिख दिया, अदरवाइज देखो 6 दिन का एलसीएम 6 और 2 यूनिट 6, 3 दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में मतलब 1 दिन में 2 यूनिट, 1 दिन में 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट, 2 दिन तो दोनों मिलके 2 दिन में काम करेंगे, क्योंकि 3 यूनिट कर रहे हैं, 1 दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में 3 3 6 यूनिट करेंगे, तो मतलब 2 डेज में काम करेंगे, और डबल पूछा है तो 4 दिन में, तो सीधे हो गया, तो तुमने अप्रोच जो चलनी है वो इस मेथड से चलनी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस मेथड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग चलना, अगर तुम्हें डाउट है एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, पॉज करना, अब देखना एक क्वेश्चन है, मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मैं सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा अगर आपको डाउट आते हैं थोड़ा टिपिकल जानने में तो कमेंट में क्वेश्चन डाल देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा की जाती है ना, तो बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए, क्वेश्चंस फिर करना ट्राई, अगर नहीं होंगे तो तुम मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मोहन 10 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है कोई, मोहन रमेश जो है वो 15 दिन में एक काम कर रहा है, अब बोले वो इकट्ठे कितने दिन में काम करेंगे, तो देखना अब सीधे मैंने वो मेथड बताना है तुम्हें, एलसीएम 10 15 का एलसीएम 150, अगर मैं मल्टीप्लाई करके ले लूँ, और वैसे करना है तो लिख लो 10 20 15 20 30 आ गया एलसीएम, 30 आया ना, ठीक है, 30 यूनिट काम मान लो, 30 यूनिट काम मान लिया, जल्दी से मानना है सब, अब तुम वर्बली कर सकते हो, मोहन 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, रोहन जो भी है 15 दिन में एक काम कर रहे हैं, अब ये एक काम भूल जाओ, मैंने एलसीएम लेके 30 यूनिट काम मान लिया, ठीक है, तो अब तुम भी देखो 30 यूनिट काम है, तो 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहे हैं मोहन, और रोहन 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो मोहन एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, रोहन एक दिन में 2 यूनिट, क्योंकि 30 यूनिट कर रहा है वो 10 दिन में, तो 30/10 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट करेगा तभी 30 यूनिट होगा 10 दिन में, 2 यूनिट, ये हो गया तुम्हारा 30/15 2 यूनिट, ठीक है, तो दोनों मिलके मोहन और रोहन
एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन में पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। अब एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं और टोटल काम है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 5, 6 दिन में 30 यूनिट, 6 डेज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कोई भी करोगे ना, एलसीएम मेथड यूज करना, वन डे। ये तो मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, सो ये था तुम्हारा टाइम वर्क का एक बेसिक सा कंसेप्ट, जिस तरह के क्वेश्चन तुम पक्का एक्सपेक्ट करोगे। मैं तुम चाहे तुम कॉन्स्टेबल का एग्जाम उठा लेना, उसमें भी क्वेश्चन है, जेल बॉर्डर में भी देखा था मैंने। ठीक है, आगे पटवारी का रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें तो अर्थमेटिक 25 नंबर का आता है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसके लिए, और आप फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। डोंट वरी, कोई भी आपको दिक्कत है कमेंट में, जैसे कि और भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मुझे ये जैसे कोई भी दिक्कत आ रही है उनको, तो वैसे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक प्लीज़ करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।